हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू आवर चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक जो कि इंडिपेंडेंस डे पे बड़ा न्यूज़ में था कि जो इंडिपेंडेंस डे पर एज़ यू नो कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट किया जाता है तो तमिलनाडु के अंदर जो एक प्रिंस आ, प्रिंसिपल थी तमिल सेल्वी इन्होंने मना किया कि मैं जो है वो हमारे फ्लैग को होस्ट नहीं करूंगी ठीक है उन्होंने कहा कि आ मैं क्रिश्चियन कि मैं क्रिश्चियन हूँ और हमें सिर्फ वी ओनली वी विल ओनली सल्यूट गोड कि हम सिर्फ गोड uh, को सल्यूट करेंगे ठीक है तो ये कॉन्टेक्ट है ये हमारी न्यूज़ है तो नाउ आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू कि आपका क्या व्यू पॉइंट है क्या इनका ये कहना कि मैं हमारे फ्लैग को नहीं फहराऊंगी क्या ये सही था कि वो क्रिश्चियन है तो वो ऐसा नहीं करेंगे ठीक है तो लेट्स uh, डिस्कस कि इसके क्या हमारे यूपीएसए uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से या एज अ सिटीजन इसके क्या क्या डायमेंशंस है फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो उन्होंने बोला कि शी इज अ क्रिश्चियन कि तो क्रिश्चियन में हम लोग सिर्फ जो है वो गॉड को ही सल्यूट करते हैं ठीक है तो जो इनकी बाइबल है और जो इनके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं क्रिश्चियन के तो उसके अंदर इट इज़ क्लियरली मैंशन कि ये देयर इज नो डाउट कि वो सबसे सुप्रीम गॉड को मानते हैं राइट ठीक है इसमें कोई दोहराई नहीं है इस बात में लेकिन आ, उसी जो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है जो रिलीजियस उनकी बुक्स हैं उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो किसी भी कंट्री के अंदर आप रह रहे हैं तो उसकी जो गवर्नमेंट है उसको भी गोड ने ही बनाया है मतलब गोड की मर्जी से ही वो है तो इस तरह से कुछ उसमें लिखा हुआ है तो आपको वो गोड की मर्जी से गवर्नमेंट बनी है तो यू हैव टू तो रिस्पेक्ट दैट अथॉरिटी आपको उस अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी है उसकी जो भी डायरेक्शन्स हैं उसको मानना है राइट ठीक है तो ये उनके उसके अंदर लिखा हुआ है उनके रिलीजियस बुक्स के अंदर तो आ, तमिल सेल्वी जी की जो भी ये स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली सही नहीं है बींग इंडियन in, सबसे पहले आ, आ, मतलब माई पर्सनल व्यू पॉइंट इज़ दैट की रिलीजन बाद में है इंडियन हम पहले हैं ठीक है तो एक डायमेंशन तो इसका ये हो गया कि उनकी बुक्स के अंदर सच कुछ नहीं लिखा नहीं हुआ है कि क्रिश्चियन लोग जो हैं वो मतलब किसी भी ट्राई कलर को वो नहीं करेंगे हॉइट नहीं करेंगे ठीक है तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है लेकिन इनका कहना ऐसा ये गलत है दूसरी बात दूसरा डायमेंशन इसका दूसरी बात ये कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसकी फर्स्ट ड्यूटीज़ जो है फर्स्ट ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम कि हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटी पहले ही फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करनी है राइट right? ठीक है तो इसका वॉयलेशन किया है तमिल सेल्वी जी ने ठीक है तो कि हमारी नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट है ये बोलना कि मैं इसको होस्ट नहीं करूँगी या ठीक है तो हम इन लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो अगर उसका वायलेशन होता है तो उस पर केस नहीं हो सकता ठीक है नॉन जस्टिशेबल है कोर्ट में हम नहीं जा सकते हैं कोई भी पर्सन तो उसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता राइट ठीक है उनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू तो नहीं लिया जा सकता लेकिन जो भी उनकी आ, जो एजुकेशन बोर्ड है ठीक है तो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो उनके स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के वायलेशन को लेके उसके थ्रू उन पर एक्शन लिया जा सकता है ठीक है और जो हमारा एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अभी है जिसके अंदर फ्लैग से रिलेटेड सारे डायरेक्शन हैं तो उसमें ये भी मैंशनड है कि लाइक like कोई भी फ्लैग uh, को होस्ट करने तो एक तो बहुत सुप्रीम uh, जो uh, क्या बोलते हैं कि पोस्ट होगी लाइक प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है तो उन लोगों को uh, या तो वो उसको वो करेंगे फहराएंगे झंडे को दूसरा कोई जो uh, 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 जो हमारी नेवी ड्रेस है लाइक जो, like, uh, जो एक uh, आर्मी की जो ड्रेस है उसके अंदर जो पर्सन वहां पे वो होगा आ, उसने जो ड्रेस डाली होगी ठीक है तो वो उसको फ्लैग को वो होस्ट करेगा राइट लेकिन आपको पता है कि जैसे एक किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे इस ड्रेस कोड के अंदर वो लोग नहीं प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आ, स्कूल का हेड है या प्रिंसिपल है वही प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल है वही उसको वही सुप्रीम उसकी वो है पोजिशन है प्रिंसिपल की तो वही उसको क्या करता है होस्ट करता है राइट तो फिर आ, मतलब ये तमिल सेल्वी का कहना इस ऑब्वियसली uh, बिल्कुल भी सही नहीं है ये एक्शन सही नहीं है ठीक है इसको आप राइट टू फ्रीडम में काउंट uh, नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेशनल फ्लैग को नेशनल एंथम को इनको रिस्पेक्ट करना हमारी प्राइम फंडामेंटल ड्यूटी है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन जो अच्छे ऑथर्स हैं उनके आर्टिकल्स आए हैं तो उसी में भी हमें यही पॉइंट निकलने को मिलता है कि इट इज़ नॉट करेक्ट कि वो इस चीज़ को मना कर रहे हैं आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में प्लीज़ कॉमेंट ठीक है डैट्स ऑल फॉर फ्रॉम फॉर दिस टॉपिक थैंक्स ए लॉट